सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 असिस्ट चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ड्राइव एक्स ये जो हमारा गेम है ऑफलाइन में वर्क करेगा कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर देता हूँ, वाईफाई भी ऑफर में ऑफलाइन हो चुका हूँ। अब हम हमारी गेम को ओपन करते हैं। अब इसका पूरा नाम तो ड्राइव एक्स कार क्रेश सिमुलेटर करके है, एंड बीम एन जे ड्राइव जो गेम है पीसी पे, ये उसी का मोबाइल कॉपी आप कह सकते हैं। एक चीज़ है कि ये गेम इंटरनेट और वाईफाई के बिना चलता है, तो एक ऑफलाइन गेम है। अब इसका आप यूआई भी देख सकते हैं, बिल्कुल बीम एन जे पीसी पर है। आप लोगों ने जो शॉर्ट्स वीडियोज़ होती होंगी ना, जिनके अंदर में वो कार ये सब चलती है एकदम हाई स्पीड में चल चल के टेस्ट करते हैं, देखने में मज़ा आता है, मैं खुद भी बहुत देखता हूँ। तो ये इसी गेम से बनती है वो वीडियोज़, तो ये पीसी पर बनती है। पीसी पर तो मेरे पास में जो लैपटॉप है उसमें मैंने डाउनलोड करा था थोड़ा खेलने के लिए, बट मुझे मतलब वो क्या बोलते हैं टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने डिलीट कर दिया। पीसी पर शायद 35 GB का ये गेम, यहाँ पे तो 4400 MB के आसपास का ही है ये। अब मतलब अभी मोबाइल पर सबसे क्लोजेस्ट अगर गेम है तो वो यही वाला है। ऐसे तो मैं जब आज से 4-5 साल पहले बहुत सर्च करता था। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, यहाँ कैमरा एंगल आपको काफ़ी सारे मिलने वाले हैं। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि कैमरा एंगल ये सारे हैं। इंजन स्टार्ट करने का ऑप्शन यहाँ से है, तो हमारी इंजन स्टार्ट हो चुका है बट पता नहीं चल रहा है। एंड ग्राफिक्स क्वालिटी आई थिंक मैंने आपको दिखाई नहीं दिखाई, पता नहीं क्या है, मगर मैंने एकदम हाई पर ही रखी है ग्राफिक्स क्वालिटी। अब कुछ इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट मतलब वो है, अगर आप इसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है कि नहीं है वो चीज़ नहीं पता है, क्योंकि बीम एन जी उसी के लिए फेमस है। फर्स्ट चीज़ तो उसके लिए फेमस है, सेकेंड चीज़ ये जो आप देख रहे हैं कार क्रेश, इसके लिए फेमस है, अलग ही ख़तरनाक लेवल का वो हो गया है। तो मैं रिट्राई करूँगा फिर से, एंड इस बार अब हम थोड़ा ख़तरनाक कार क्रेश करने वाले हैं, तो यहाँ से आपको एकदम एक्सट्रीम लेवल पर दिखेगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो हाँ, अगर आप लोगों को पसंद है वीडियोस देखना, आप मोबाइल पर ट्राई करना चाहते हैं, तो बेस्ट गेम है ये। एक चीज़ ज़रूर है कि इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 4 GB रैम है, एंड उसके अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट है जो कि आपको देखनी पड़ेगी। और ये कुछ इस तरीके से बहुत ख़तरनाक लेवल पर टायर ही ख़त्म हमारा। और ये ज़रूर है कि लैग तो करता है गेम, अभी नहीं लैग करता है, स्मूथनेस तो बहुत अच्छी है गेम की, ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा है। अभी अगर अल्फ़ा स्टेज में देखा जाए इस गेम को, तो अभी कम्प्लीटली लॉन्च भी नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से तो गेम मुझे सही लगा। बट ये ज़रूर है कि हाँ, अभी मोबाइल में जो है इतना ख़तरनाक क्रैश होता है, तो मेरा तो पीसी में भी लैग कर जाता था बीम एन जे, तो ये तो मोबाइल है फिर भी, तो वो चीज़ है। बाकी गेम अच्छा है, मैंने सोचा था कि बीम एन जे की वीडियो बनाऊँ अपने मेन चैनल पर, मगर टाइम नहीं मिल पाया। ये वाला कॉम्पिटिशन में अच्छा, अगर इन फ्यूचर मैंने कभी बीम एन जे की वीडियोज़ बनाई, तो मैं डेफिनेटली जो है इस गेम को तो रखूँगा ही सही उसमें, और शायद फर्स्ट प्लेस पर ही रखूँगा, क्योंकि अभी कंपटीशन है नहीं ना उतना, तो इसकी वजह से। और ये आप देख सकते हैं ख़तरनाक ही डैमेज तो बहुत ही ख़तरनाक होता है गाड़ी का, एकदम चकनाचूर हो जाती है। मगर वही चीज़ है कि यहाँ पर एक लोकेशन और दिखा देता हूँ मैं, बाहर जाने का ऑप्शन यहाँ से कहीं ना कहीं होगा। ये गाड़ी बहुत सारी आपको मिलेगी, एक से एक गाड़ी है, ज़बरदस्त गाड़ियाँ हैं, और मज़ा आ जाएगा यार, मगर ये अनलॉक करना पड़ेगा। सॉरी, तो उसके लिए यूट्यूब पे उसने मुझे भेज दिया, मगर चलो सब्सक्राइब करने पे सारी चीज़ अनलॉक हो जाएगी, ये नई चीज़ है, तो ये चीज़ चलो ठीक भी है। ऐसे भी जो गेम खेलना पसंद कर रहा है पर्सनली, उसके लिए ठीक है। और हाँ, आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए भी थैंक यू।